भारत सरकार की ओर से हमारी पार्टी की ओर मैं अपने शोक संवेदना भी आपसे प्रार्थना की है कि उनके पूरे परिवार को इस संकट का सामना करने की ताकत पागल की यहाँ तक एक डेढ़ महीने पहले ही दिल्ली में करीब डेढ़ घंटा मेरी मीटिंग हुई थी और उसमें करीब डेढ़ घंटा अनेक विषयों पर चर्चा हुई थी। जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट, टूरिज्म का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इन सब विषयों पर चर्चा हुई थी और मैंने उनको एश्योर किया था कि मेरे विभाग की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोग पूरी मदद करेंगे और उसमें काम भी हमने जितनी बातें कही थी उसको मान्य की थी। आज भी और जो भारत सरकार की ओर से थे वो निश्चित रूप से हम पूरी करेंगे, ये विश्वास मैंने उनको दिया और मेरी आज की विजिट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार की ओर से उनको मिलने के लिए, शोक संवेदना देने के लिए थी। मेरी काफी अच्छी बातचीत भी हुई है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उनको बहुत ताकत दे। सरकार फॉर्मेशन को लेकर क्या गठबंधन के बारे में क्या राजनीतिक चर्चा करने का दिन आज का नहीं है, मैं राजनीतिक चर्चा करने के लिए आया हूँ। मैंने भारत सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उनको एक प्रकार की घटना इसको होने के बाद उनको मिलकर आज के दिन में उनको एक अल्लाह उनको ताकत दे सब सहन करने की और हमारी शक्ति सब उनके साथ रहेगी और उनको सहयोग करेंगे। देहांत अभी हाल ही में हुआ है और उनके परिवार और अन्य मित्रगण सब जो हैं उनको वो दुख में है इस वक्त, तो तुरंत ही सरकार के बारे में या राजनीतिक टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित होगा। सर इंटरव्यू दैट हैज कम अप, देयर इज अ वेरिएंट रिएक्शन फ्रॉम द कांग्रेस, द ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी शुड मेक इट क्लियर एंड इफ दे बिलीव दैट मिस्टर मनीष तिवारी हैज स्पोकन आउट ऑफ लाइन और इज स्पीकिंग समथिंग इनकरेक्ट then one wonders what action they plan to take against him. Congress party ko apna paksh spasht karna chahiye.